नेटवर्क इशू हो गया था तो लीव करके। देखो मैंने क्या बोला, अभी एलपीपी में हम लोग एलपीपी पढ़ रहे हैं, एलपीपी ये जो सब्जेक्ट है अभी हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं एलपीपी एंड गेम थ्योरी, 85% एलपीपी है, 15% गेम थ्योरी है। अब इस पेपर में ये पेपर एक असल में क्या है, इस सब्जेक्ट का एक पार्ट है। एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पहले यही पढ़ना पड़ता है। तुम लोग अभी पढ़ लिए, जब एमएससी करोगे ना तब देखना सर एलपीपी तो सर ने पढ़ाया था, उसका पूरा नॉलेज लगेगा। जैसे ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्री वन एंड ग्रुप थ्री टू, लिनियर अलजेब्रा वन, लिनियर टू, लिनियर अलजेब्रा टू पढ़ने के लिए लिनियर अलजेब्रा चाहिए। सिमिलरली जब ऑपरेशन रिसर्च करोगे या फिर क्या करोगे तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन, एक पेपर आता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमम करने का मैथमेटिकल क्या क्या टेक्निक है, वो टेक्निक हम लोग एमएससी में एक पेपर आता है, उस पेपर में जब तुम काम करोगे तो यहाँ पे क्या है लिनियर प्रॉब्लम। लिनियर का मतलब जानते हो लाइन, लाइन वाला जो काम होता है ना सीधा होता है, सिंपल होता है। जब टर्म जुड़ जाता है ना नॉन लिनियर, अब हो गया क्या बोलो तो, अब लाइन नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, और वहां पे क्रिटिकल आता है, वहां पे नॉर्मल रूल से नहीं होता है। अच्छा माने जैसे सिंपल अगर कोई बंदा है उससे तुम सिंपल बात कर सकती हो, बट एक क्रिटिकल बंदा है ना तो बहुत सारा चीज में सोचना पड़ेगा कि नहीं इससे बात करने के लिए मुझे बहुत सारा कुछ तैयारी करके जाना है। सिमिलरली वही बात है, नॉन लिनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एडवांस पार्ट है, बट जब तक लिनियर प्रोग्रामिंग नहीं क्लियर नहीं है तुम्हारा नॉन लिनियर प्रोग्राम करके क्या फायदा, ठीक है वो नहीं हो पाएगा। तो बार बार बोल रहा हूँ मास्टर डिग्री अगर करोगे तब जाके, मैं मास्टर डिग्री बात क्यों कर रहा हूँ, सिक्स में तो मैथमेटिकल क्या है मॉडलिंग, वही बात है, क्योंकि सिक्स में तो तुम लोग करना ही पड़ेगा, मास्टर डिग्री कर नहीं सकते, कोई तो बोल सकता सर मास्टर नहीं करूंगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बट सिक्स में मैथमेटिकल मॉडलिंग है। मैथमेटिकल मॉडलिंग में 60% से लेके 60% काम पूरा एलपीपी है, जिसका एलपीपी अच्छा है उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होगा पहले क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ सिक्स सेम में कोई चीज अगर तुमको पहले से एडवांटेज मिल रहा है तुम्हारे लिए आसान है। सिक्स सेम में जो जो पेपर्स है ना वो पेपर सब हाई लेवल पेपर है, फिफ्थ सेम में भी है, सिक्स सेम में मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ एक पेपर टॉपोलॉजी, अच्छा टॉपोलॉजी वाला पेपर इस बार बहुत स्टार्टअप को सुना था, बहुत अच्छा पेपर है, अच्छा इस बार तो बहुत घुमा फिरा के पढ़ाना है तुम लोगों के टाइम। बट वो जो पेपर है ना अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं 2 महीने में टॉपोलॉजी सीखूंगा कभी नहीं सीख पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए बोलो तो एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए, टाइम पहले से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम लोग के ऊपर टॉपोलॉजी बहुत अच्छा सा पेपर है, अगर तुम्हारा लिनियर प्रोग्रामिंग अच्छा है तो मैथमेटिकल क्वालिटी में तुमको टाइम नहीं लगेगा। तुम बोल नहीं सर मैं उस टाइम में लिपी फिर से सीखूंगा, तब टॉपोलॉजी कब सीखोगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कब सीखोगे, मैट्रिक स्पेस कब सीखोगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, टाइम 4.5 महीना और सब बड़ा बड़ा पेपर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एलपीपी बहुत अच्छे से करना है, अच्छा मैथमेटिकल मॉडलिंग जब पढ़ाएंगे तो देखना एलपीपी का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग मैं ही पढ़ाऊंगा तो बेनिफिट होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, क्या बोला है ओआर इज ए, मैंने बोला कि ऑपरेशन रिसर्च एक पेपर होता है, तुम लोग एक नाम सुने हो बोलते हैं ना मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट साइंस कौन पढ़ता है, एमबीए करने जाने से पढ़ना पड़ता है ना मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस का मतलब क्या है, जो क्या करता है किसी चीज को मैनेज करता है, आइदर वो होटल मैनेजमेंट हो सकता है, आइदर वो टूरिज्म मैनेजमेंट हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारा चीज में मैनेज करना पड़ता है। इंडस्ट्री में कोई काम होता है उसको मैनेज करना पड़ सकता है। तो ये जितना सारा मैनेजमेंट काम है, मैनेजमेंट काम में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी क्या चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट कम हो, उसका उसका जो इन्वेस्टमेंट हो कम हो बट प्रॉफिट ज्यादा हो, माने जो कॉस्ट है वो कम हो और जब वो कोई चीज बेच रहा है उसका सेल उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। अच्छा इसी के ऊपर पूरा क्या है बोलो तो, इसी के ऊपर पूरा दुनिया चल रहा है ना, हर एक चीज में ना तुम देखो हर एक चीज में चलता है, ईच एंड एवरी चीज में। हम लोग जब कोई चीज खरीदते हैं ना तो उसमें क्या सोचते हैं, सर थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाए, बार्गेनिंग करते हैं। सिमिलरली जो दुकानदार है वो क्या चाहता है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा ये नहीं कर पाए। मानो कि तुम खरीद रहे हो, अब मानो कि तुम्हारे पापा के दुकान में तुम बैठे हो, अब तुम क्या थोड़ी कॉस्ट घटाओगे, तुम भी क्या चाहोगे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस बोले, या फिर जो जरूरी है उसके बाद बीच में आता है। सिंपल सा बात है, प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम करते हैं, और जो लॉस जो कॉस्ट होता है या फिर लॉस जो है वो हम लोग क्या चाहते हैं, अगर वो भी तो उसको क्या करें मिनिमम करें। ये मेन बात है, अच्छा ये मेन बात है, इसी के ऊपर ये सब्जेक्ट है। अच्छा अरे अरे ये लाइफ में हम लोगों को लगता है, हर एक जगह पे लगता है कि बहुत सारा चीज हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम करना चाहते हैं, बहुत सारा चीज मिनिमम करना चाहते हैं। ऐसे मैक्सिमम हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट। यूट्यूब में कोई वीडियो छोड़ रहा है, फेसबुक में कोई अगर कोई पिक्चर छोड़ रहा है वो क्या चाहता है, लाइक ज्यादा हो, लाइक कॉमेंट शेयर कर दो, होता है अच्छा लाइक कमेंट शेयर, या फिर ये होता है ना व्यू ज्यादा हो सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ जाए अच्छा होगा। अच्छा तो ऐसे ऐसे होता है ना, हर एक जगह इसी वीडियो में बोलते हैं ना लाइक कमेंट शेयर, ठीक है ऐसे होता है। तो ये सब क्या ज्यादा, अब हम लोग मिनिमम क्या करना चाहते हैं, क्या चीज को हम लोग मिनिमम करना चाहते हैं, सोचते मेहनत कम करना मिनिमम करना पड़ता है, ये भी अच्छा सर। एक काम करने के लिए अगर 2 घंटा लग रहा है, कोई अगर 1 घंटा में कर दे, हम लोग जो टाइम है उसको क्या करना चाहते हैं, मानो मानो तुम्हारा एक छोटा मोटा कुछ कोई काम है उसके लिए तुमको एक एम्प्लॉय रखना है। अब 5 जन आया है,
तुम किसको लोगे जो काम को कम में कर पाए, कम टाइम में कर जाए, या फिर एक काम करना है तुमको, तुमको तुम्हारा बजट 10,000 है, पांच जना है, एक जन बोलेगा 8,000 देंगे, एक जन बोलेगा 12,000 देंगे, एक जन बोला 50,000 देंगे, 10,000 तुम्हारा बजट है, तुम 10,000 से ज्यादा इंप्लॉय रख नहीं पाओगे, तो 50,000 को थोड़ी रखोगे तुम। सिंपल बात है, तुम क्या चाहते हो कि मिनिमम, अच्छा मिनिमम पर क्या करते हैं कॉस्ट, अच्छा उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो है ही, और मिनिमम क्या करते हैं, और मिनिमम क्या करते हैं सोचे, बोल देता तो टाइम, टाइम हम लोग मिनिमम करते हैं ना, वेस्टेज, किसी भी चीज में वेस्टेज करना, वेस्टेज मतलब मानो कि तुम क्या ऐसे करते हो कि जो खाना लेते हो, जो सब्जी वब्जी खरीदते हो, ऐसे थोड़ी एक साल का पूरा ले लिया, ऐसा तो नहीं करते, अच्छा या फिर देख के लेते हो ना, अगर कोई भी फ्रूट भी लेना है तो एक लिमिटेड लेना है, क्योंकि ये सब चीज क्या होता है 2-3 दिन के बाद खराब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक सोच के लगाते हैं, एक फल कितना दिन जाएगा और मुझे कितना रिक्वायरमेंट है। ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक तुम रियल लाइफ में यूज करते हो, बट बिजनेस सेक्टर में ये लॉजिक से बिजनेस नहीं चलेगा। तुम बोलोगे सर ये लॉजिक लगा के मैं अगर कोई बिजनेस करने जाऊं, एक बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, उसके लिए प्रॉपर क्या होना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट टीम होना पड़ेगा। अच्छा जैसे तुम लोग जानते हो कि जियो ने आके पूरा टेलीकॉम सेक्टर को चेंज कर दिया, उसके लिए एक मैनेजमेंट टीम है। तुम लोगों को दिख रहा है कि मुकेश अंबानी, बट मुकेश अंबानी को इस जगह पे लाने के लिए उसका एक मैनेजमेंट टीम है जो इतना सब काम किया है। अच्छा तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, जो जो बंदा था, जो जो काम किया है, अगर वो बोलेगा सर मैं ऑपरेशन रिसर्च का बंदा नहीं हूं, तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुमको सिखाना नहीं चाह रहा ऑपरेशन रिसर्च, वो ऑपरेशन रिसर्च का ही बंदा है। मैनेजमेंट में अगर कोई भी बंदा है, वो ऑपरेशन रिसर्च में क्या है बनते हो, मास्टर है, वो जानता है बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। तो ये अलग बात है, तो ऑपरेशन रिसर्च का रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, तुम लोग बोल सकते हो सर ये सब्जेक्ट का डेवलप नहीं कब हुआ था, ये सब्जेक्ट उतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पुराना नहीं है, मतलब पुराना है, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, एक देश का कंट्री जब क्या करता है, यहाँ से जो बम होता है या फिर कुछ भी चीज होता है ये करता है, तो उस टाइम में क्या होता है, एक जब कोई भी वार जब होता है तो देखना हर एक चीज में एक दाम इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान जो होता है ना एक दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होना, एक्सपोर्ट होना, एक बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बोलो, हर एक चीज का अवेलेबिलिटी उतना अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है महंगाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब सोल्जर को तुमने भेजा है, वार में भेजा है, उसको लड़ने के लिए भेजा है, उसको सब कुछ तो भेजना पड़ेगा, खाना पीना से लेकर जितना सारा सामान है सब भेजना पड़ेगा। अब उसको क्या करना है, जितना सारा भेजना है उसको मिनिमाइज कॉस्ट में करना है ना, ताकि आउटकम जो रिजल्ट है लड़ाई में हम लोग जीत सके, ऐसा काम करना है। और मुझे एक बात बोलो, सबसे अगर लास्ट में सबसे बड़ा अगर वार हुआ है तो सेकंड वार हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर 2, उससे बाद और बड़ा वार कब हुआ, अब उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो एक सबसे क्रूशियल टाइम है, बोलते हैं ना कि कोरोना का टाइम में सबके साथ एक क्रूशियल टाइम है, कि वहां पे तुम देखो इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गया, बहुत सारा इशू था, तो इस टाइम में निकल जाना ही बहुत वजन होता है, इसमें बच गए तो ही अच्छा है, तो ऐसा एक बात होता है। सिमिलरली हुई बात है सेकंड वार में, ये सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट पड़ा, ये लोग क्या किया, जैसे जर्मनी है और भी कुछ यूएस वगैरह ये सब कुछ कंट्री है, इंग्लैंड में क्या हुआ, ये बड़ा बड़ा जो मैथमेटिशियन है वो लोगों को बुला के, वो लोगों को बोला देखिए हम लोग का ये प्रॉब्लम है, जो बड़ा बड़ा जो ये होता है ना, जो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर जो गवर्नमेंट होता है ये तो काम नहीं करता है, मानो के यहाँ पे जीएसटी लगाना है, ये जीएसटी बिल थोड़ी मोदी ने बनाया है, अमित शाह ने थोड़ी बनाया है, उसका बड़ा बड़ा आईएएस ऑफिसर है, टीम है, ये जो आईएएस ऑफिसर होता है इसका एक टीम होता है, वो लोग सब कुछ बोल के उन लोगों को समझाता है, अच्छा सब मिलकर वो लोग समझाते हैं, उसके बाद वो लोग का एक टीम होता है, मतलब जो जो बड़ा बड़ा सब नेता है वो लोग का एक मीटिंग होकर एक डिसाइड होता है, पहले नहीं होता कुछ। अच्छा तो जितना सारा काम होता है प्लानिंग वो सब क्या करता है, सब बड़ा बड़ा ऑफिसर है, अच्छा तो मान सकते हो मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज वो लोग का बहुत ज्यादा है। अच्छा तो यहाँ पे भी वही बात है, ऑपरेशन रिसर्च के लिए जितना बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन था उसको बुला के वो लोग को बोला देखिए ये सब प्रॉब्लम है, एक लड़ाई में इतना सारा सामान लग रहा है, यहाँ पे इतना भेजना है, आप इसको क्या करिए, मेरे पास इतना ही है, अच्छा मेरे पास मानो के इतना जगह है या फिर मेरे पास इतना खाने का चीज है, अब मुझे चारों तरफ क्या हुआ है, सब भूखा ही घर है, अब मुझे क्या करना है, देखना है कितना कम करके दे सके ताकि सबको मिल पाए। देखो सोर्स जो होता है ना वो अनलिमिटेड नहीं होता है, कभी भी जब कोई जगह पे बाना आता है देखना बहुत जगह पे ठीक ठाक खाना नहीं पहुंचता है, सोर्स रिसोर्स क्या होता है बोलो, लिमिटेड होता है, रिसोर्स ऑलवेज लिमिटेड होता है, और वो अब से नहीं पहले टाइम से, हालांकि अभी थोड़ा रिसोर्स बढ़ा है, पहले टाइम में तो रिसोर्स तुम अगर सुनोगे 50-60 साल पहले, अभी तो ये थोड़ा कम हो गया, बोलते हैं ना कि दो वाला खाना, पहले टाइम में एक वाला खाना भी नहीं जुटता था, अगर तुम लोग पूछोगे 50-60 साल पहले वो मिलता नहीं था। तो सिंपल सा बात है, अभी बहुत सारा चीज में हम लोग का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और चलो तो अब सरकार को आप जितना चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ना, 50-60 साल पहले ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि उसके पास तो सोर्स ही कम है, और जब सोर्स कम होगा ना तुम्हारे दिमाग में से चलेगा कैसे इतने कम में कैसे सबको थोड़ा बहुत करके दे सकते हैं, यही है ऑपरेशन रिसर्च का यही काम है। सेकंड वार में यूज हुआ मेनली देखा, तब थोड़ा सा क्या हुआ, तो ये जो बमबारी है ना सेकंड वार से चालू हुआ था, पहले उतना नहीं था। अच्छा अब जो बम होता है ना वो रेडर में पकड़ में चलाता है, रेडर तो जानते हो, एक सिग्नल होता है, वो लोग क्या करता है अगर आसपास कोई भी विमान जाएगा कुछ भी जाएगा वो रेडर पकड़ लेता है,
होता है बहुत सारे कंट्री का पकड़ लेगा इस कंट्री से उस कंट्री में जाओगे तो। बट ये जो रैडर है ना ये बहुत कॉस्टली चीज होता है, बहुत सारे कंट्री के पास है ही नहीं, कुछ कुछ कंट्री के पास है बट उतना पावरफुल नहीं होता। बोलते ना कि यूएसए का अगर कुछ यहाँ पे आएगा वो इतना ऊपर से जाता है रैडर में वो पकड़ में नहीं आता है। तो रैडर का भी क्या होता है एक एफिशिएंसी का एक लिमिट है। अच्छा जो बड़ा बड़ा कंट्री है ना जो पावरफुल कंट्री है ना उस लोगों का रैडर बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल होगा कोई मिसाइल अगर छोड़ोगे उसको डिटेक्ट भी करेगा उसको डीएक्टिवेट भी कर देगा ठीक है मतलब हवा में उसको ये कर देगा। तो ये जो काम है बहुत दिन का, एक दिन का काम नहीं है। आज इसरो यहाँ पे आया है एक दिन का काम है क्या? एक दिन का नहीं है। तो सेम बात यहीं पे मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे ये सब इशू होता है, ये मेनली यूज हुआ था रैडर के लिए, मेनली यूज हुआ था क्योंकि चारों तरफ से क्या हो रहा है बमबारी हो रहा है। अब रैडर अगर अच्छे से काम कर जाए तो क्या होगा हम लोग पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो दुश्मन है वो कहाँ पे क्या रखा है। अब देखो इतना बड़ा कंट्री है ऐसा थोड़ी कर सकते हैं एक आमा स्ट्रीट में रडार लगाएंगे, एक सियालदा में एक रडार का खर्चा आता है ना, एक मोबाइल टावर का खर्चा आता है ना। एक बात लोगों को 5G क्यों नहीं हुआ जानते हो? 5G में बहुत खर्चा है और 5G में एक टावर से नहीं चलेगा, 5G एक वाईफाई जैसा है, हर एक गली में बैठना पड़ेगा क्योंकि इसका जो लेंथ है ना इस सिग्नल का लेंथ बहुत कम है। मतलब एक जगह से अगर तुम कम से कम 100 मीटर दूर जाओगे ना टावर 100 मीटर दूर में है बट 5G में देखना सिग्नल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होना पड़ता है हर एक गली में क्या करना पड़ेगा एक 5G वाला मेज बैठाना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगेगा इसे समझ पा रहे। तो इसीलिए रडार का कॉन्सेप्ट आया था ऊपर से नीचे ठीक है मेनली उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आया था। क्या लिखा सिस्टम अंडर द कंडीशंस रिक्वायरिंग अंडर द रिक्वायरिंग द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस रिसोर्सेस ठीक है। रिमार्क वन लिखो, रिमार्क वन क्या ये क्या बोलना चाहते हो? ऑपरेशन रिसर्च के बारे में इसलिए बोल दिया क्योंकि ये जो पार्ट है जिस पेपर में आ रहा है इसका मेन फंडा क्या है मैं बोल रहा हूँ। ऑपरेशन रिसर्च में सिंपली काम क्या करना है सर, जो भी लाइफ में डिफिकल्टीज है, लाइफ में जो जो सिचुएशन में हम लोग फेस करते हैं रियल लाइफ में भी हम लोग करते हैं हर एक टाइम में क्या करते हैं कि इसका एग्जाम देंगे तो बेस्ट आउटकम आना चाहिए। कम टाइम है हम लोग जब कम टाइम है तो क्या करते हैं टाइम कम है तुम्हारे पास, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन गया, जब ऑनलाइन ऑफलाइन गया जब मालूम चला ऑफलाइन एग्जाम होगा इतना कम टाइम है इतना सारा सिलेबस है। सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल दीजिए, हालांकि नहीं आया वो अलग बात, उसको तुम नहीं बोल सकते सर वो ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट, वो तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी काम नहीं है। बट तुमने एक दिमाग में कैलकुलेशन किया ना, राइमन इंडिकेशन बहुत बड़ा पोर्शन है बट नंबर भी ज्यादा आता है, इसको छोड़ नहीं पाएंगे तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। अच्छा कुछ चैप्टर है लगा तो बहुत सारा क्वेश्चन है बट आता ही एक क्वेश्चन है, अब इसको छोड़ देते हैं, ये करते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स हर एक जगह पे तुम लोग एक काम कर रहे हो बट ये जो हम लोग कर रहे थे ना ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आ रहा था, अब एक क्या करेंगे एक सब्जेक्ट वाइज इसको करेंगे। अच्छा पर ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऐसा सिखाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन चूजिंग किस हिसाब से करना है ठीक है, बट मैं तुमको टारगेट बोल दे रहा हूँ। अच्छा टारगेट बोल दे रहा हूँ ठीक है, टारगेट बोल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ ये जो एसी है ये जो कूलिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑपरेशन रिसर्च का एक मोटिवेशनल एक ये देखा था, एक पेपर पब्लिश हुआ था वहां पे देख के मेरा दिमाग थोड़ा सा पहले घूम गया था। वहां पे एक डेढ़ पेज में एक एसी कूलिंग करने का जो बेस्ट वे है ऑपरेशन रिसर्च में कहां कहां पे उसका यूज हो रहा है बहुत जन बोलता है। अभी मान चल एसी जब इंस्टॉलेशन करने आया था तीन दिन पहले बाहर में लगा रहा था, वो बोला सर आप लोग मैथ पढ़ाते हैं मैथ का तो रियल लाइफ एग्जाम्पल तो दिखता नहीं है डायरेक्ट। मैं बोला डायरेक्ट ऐसे थोड़ी देगा, आप दुकान में चाय वगैरह पीने जाइएगा सब्जी लेने जाइएगा उसको बोलिएगा कि थ्योरी लगा के एक बंदा एसी लगा रहा है उसको मैंने बोला कि आप एसी लगा रहे हैं एसी तो आपने इसको लगा लगा दिया, अब ये जो कूलिंग करेगा इतना पावरफुल वे में इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एसी का कूलिंग के ऊपर एसी का प्राइस डिपेंड करता है, एसी का बिलिंग डिपेंड करता है, बहुत सारा इशू है। अच्छा तो ये बहुत ये है, तो अल्टीमेटली मैं बोलना चाह रहा हूं हम लोग डायरेक्ट उतना देख नहीं पाते। अभी एसी सामने देखिए इसलिए मेरा दिमाग में चला आया एसी कूलिंग में मैंने एक ऑपरेशन रिसर्च का एक ये देखा कि कूलिंग के कोई भी चीज को कूलिंग करना है रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करना है वहां पे सब्जेक्ट का कितना रिक्वायरमेंट होता है ठीक है। अब कैसे कूलिंग कर रहा है सर कैसे कूलिंग कर रहा है अगर मुझे सीखना है नहीं सीख पाओगे कभी नहीं सीख पाओगे, बेस नहीं होगा तो कैसे सीखोगे, वो तो रिसर्च लेवल का काम है। वो लोग कौन एसी का कूलिंग कैसे करता है क्या होता है वो कौन करता है जो रिसर्च वाला काम करता है ठीक है। डायरेक्ट तो ऐसे नहीं दिखेगा तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कोई चीज तुमको नहीं दिखेगा। अच्छा डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं दिखेगा, जैसे तुम लोग सुने हो एक एक पिक्चर जब हम लोग लेते हैं किसी चीज का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है वो फिल्टर करके उसको क्या करता है सुंदर करके अच्छे से करता है कोई भी कुछ करता है ठीक है जो भी करता है अच्छा ही होता है। तुमको उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो चीज अच्छा हो रहा है वो तो अच्छा ही है ना। मेरा बोलना है तुमको मैंने जस्ट सबको बोल रहा हूँ कि अच्छा ही है। अब कोई एक बात जानते हो वो चीज करता कैसे, एक इमेज को लिया और मशीन ऑटोमेटिक एआई से क्या कर रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसको अपडेट कर दे रहा है। कितना मतलब समझ पा रहे हो इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेस इसको बोलते हैं इमेज को प्रोसेस करना
और वो देख लो धीरे धीरे कितना अपडेट हो रहा है। सैमसंग में एक फोन देख रहा था अभी, मैं काम कर रहा था, एक जगह पे एक पिक्चर मिला था धुंधला वाला पिक्चर। ये पिक्चर क्या कर रहे हो तो धुंधला वाला पिक्चर क्या कर रहा है, एडिट करके एआई का यूज करके उस पिक्चर को क्लियर कर दे रहा है। मैंने क्या किया, पहले दूर थे, इसमें 100x ज़ूम है, अच्छा तो मैंने दूर से लिया पिक्चर, पिक्चर एकदम क्लियरिटी नहीं आया, आया उसके बाद मैंने उसको क्या किया, उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में उसको रन कराया, पहले तो कैमरा का यूज किया उसके रन कराया, उसके बाद पिक्चर 100x ज़ूम से दूर का धुंधला थोड़ा सा पिक्चर आया था, उसके बाद क्लियर आ गया। मतलब कितना सब काम हो रहा है अभी, ठीक है अभी और होगा, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो लास्ट लाइन का मतलब देखो, ऑपरेशन रिचार्ज ओआर इज ए साइंटिफिक, देखो क्या बात बोल रहा है, ओआर इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन। हम लोग डिसीजन मेक करेंगे अपने इमोशन से नहीं, अपने इमोशन से नहीं कि वो फ्रेंड है मेरे पास हर एक दिन सिर्फ मेरे से खा ले रहा है, मेरा रुपया खत्म कर दे रहा है, और वो जो फ्रेंड है वो मुझे खिलाता नहीं है, उससे वो अगर यही करेगा तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास नहीं है। अच्छा दूसरा वाला फ्रेंड क्या होता है, नहीं मेरे पास तो 2000 का नोट है, अब तुम देखो क्या करोगे, तो ऐसे तब तुमको निकालना ही पड़ता है। एक बात है, बट ऐसा नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक थोड़ी है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम दे दो, ये साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच मतलब एक साइंस को लेके हम लोग चलेंगे, क्या करने में, टू डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लेंगे। सर किस चीज के ऊपर डिसीजन लेंगे, बहुत सारा चीज हो सकता है, एक कंपनी का बहुत सारा सामान रेडी होता है, उसको भेजना पड़ता है हर एक जगह पे, भेजना पड़ता है ना, एक कंपनी का सामान बन रहा है, हाँ वो कंपनी का फैक्ट्री में बन रहा है, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत जगह पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक चैप्टर है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है किसी का भी, कोई भी एक कारखाना है कोई से, तुम क्या कर रहे हो वहां से कोयला वायला सब उठा रहे हो, उसको क्या करोगे बाहर भेजोगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होना पड़ेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब अगर प्रॉफिट है तो दिमाग में क्या दिखेगा, बढ़ाना है, बढ़ाना है, अगर कॉस्ट है तो दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है घटाना करना है, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच से, साइंटिफिकल मेथड है, इतना सारा मेथड है ना, मैं आज तक जितना सब्जेक्ट पढ़ा हूँ इस सब्जेक्ट में थोड़ा इतना इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, इस सब्जेक्ट को तुम लोग कुछ क्वेश्चन करने के बाद ही थोड़ा रियलिस्टिक वे में एक कर पाओगे, सर कॉस्ट को कमाना है, अच्छा ये चीज़ है मतलब रियल में यूज हो रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट का थोड़ा सा मतलब तुमको अच्छा लगेगा, बट सर ग्रुप वाला जो चीज़ है वो तो सामने दिखता भी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन, सर नॉर्मल सा ग्रुप सर रियल लाइफ में कैसे एग्जाम्पल है उसका भी है, बट उतना दिखेगा नहीं, ठीक है, बट ये सब का क्वेश्चन ना तुमको सब दिखेगा। डिसीजन मेकिंग व्हिच क्या बोला है, व्हिच सिक्स टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू डिजाइन ए ऑपरेट सिस्टम, एक ऑपरेट सिस्टम को कैसे बेस्ट डिजाइन करना है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करना है तो मैं बेस्ट कैसे करूं, बोलो तो एक कंपनी जब काम करता है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, अब मुझे एक बात बोलो, मैं चलो मैं सैमसंग के बारे में बोलता हूँ, एक कंपनी सैमसंग है वो मोबाइल बनाता है, वो उसको क्या क्या लगता है बोलो तो, उसको क्या क्या चीज में इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है, यही बात है सर, अगर वो फोन बनाएगा, देखो मैं फोन से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि मैं फोन का थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है इस रिलेटेड में बात कर सकता हूँ। सैमसंग जब फोन बनाता है ना, उस फोन बनाने के लिए उसको चाहिए प्रोसेसर, जैसे गाड़ी के लिए इंजन चाहिए, फोन के लिए चाहिए क्या, प्रोसेसर, ठीक है। अब सैमसंग क्या है, प्रोसेसर ज्यादातर स्नैपड्रैगन से ही मंगाता है, उसका अपना एक प्रोसेसर है एक्साइनस, नाम सुने एक्साइनस, वो प्रोसेसर अभी उतना हिट नहीं चल रहा है, इसीलिए वो लोग क्या करता है, सबसे चाहता है अपना कंपनी अपना सामान लगाओ, बट हम लोगों को उसमें हम लोग का क्यों नुकसान, कस्टमर का भी नुकसान नहीं जाता, कस्टमर चाहते हैं आप लोग स्नैपड्रैगन में दो, अच्छा स्नैपड्रैगन में दोगे, अब सैमसंग का बात क्या था, इंडिया में वो लोग स्नैपड्रैगन हाई एंड वेरिएंट में लॉन्च नहीं करता था, इंडिया का जो सैमसंग वाला जो फैन है वो लोग क्या किया, हम लोग इसके थोड़ा सा फैन बेस उसका घट रहा है, तो अभी क्या किया, दो साल से मैं देख रहा हूँ जो स्नैपड्रैगन का हाई एंड वेरिएंट है, अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चल रहा है, अगर तुम लोग थोड़ा सा मोबाइल में अभी ये रखो, बहुत पावरफुल है, जिसको गेमिंग खेलने का मन है एक बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला मोबाइल में गेमिंग खेल के देखना, इतना ग्राफिक्स अच्छा है ना, हालांकि मैं गेमिंग नहीं खेलता हूँ तो समझ पा रहे हो, स्नैपड्रैगन वाला जो प्रोसेसर है उसको तो क्या करना पड़ेगा, क्वालकॉम से बाय करना पड़ेगा, स्नैपड्रैगन आता है क्वालकॉम के अंडर, क्वालकॉम कंपनी स्नैपड्रैगन बनाता है, और एक तो प्रोसेसर तुम लोग जानते हो मीडियाटेक, अच्छा मीडियाटेक प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है। तो चलो अब सैमसंग को क्या चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर से काम चलेगा, सेमी कंडक्टर चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, बोलो तो याद करो कोरोना के टाइम में तुम लोग सुने थे जो कंपनी चीप बना रहा था, छोटा छोटा जो चीप सेमी कंडक्टर बना रहा था वो कमी हो गया था, जिसके कारण ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा लाने में मुझे 2-3 महीना सब आउट ऑफ स्टॉक, सिर्फ सेमी कंडक्टर इसमें नहीं लगता, एक कार बनाने में लगता है, पहले सेमी कंडक्टर ज्यादा यूज होता था गाड़ी में, अभी जो ऑनलाइन का जमाना आया ना, सब घर बैठ के काम कर रहा है, बहुत सारा मोबाइल मंगा रहा है, इससे क्या हुआ, एक कंपनी पहले अगर 100 पीस सेमी कंडक्टर मंगाता था, अब वो 300 पीस मंगा रहा है, और कंपनी जो बना रहा है, जो लोग सेमी कंडक्टर बनाता है उसका तो एक लिमिटेड स्टॉक है ना, लिमिटेड स्टॉक है, उससे ज्यादा तो बना नहीं पाएगा, तो अगर कम स्टॉक है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो मैंने क्या बोला, एक कंपनी है सैमसंग कंपनी, उसको क्या लग रहा है,
उसको क्या लग रहा है, लग रहा है, चीप लग रहा है, सेमीकंडक्टर लग रहा है, डिस्प्ले लग रहा है। बोलो तो सैमसंग का जो फोन है ये ज्यादातर कैमरा का सेंसर लेता है सोनी से, अच्छा सबसे उसको डील करना पड़ रहा है अलग से। अगर खुद से सब बनाना जाएगा ना तो झोल हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, खिचड़ी बन जाएगा, कंपनी आउट हो जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है, सब कुछ एक साथ करने जाओगे तो फंस जाओगे, इसीलिए वो लोग फोकस कर ले यहाँ से यहाँ से। अब बोलो ये सब में क्या हो, उसको कॉस्ट का एक बात है, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वो लोग क्या बोलते हैं, वो बल्क में लेता है। अच्छा इतना सारा फोन बनाएंगे, इतना सारा चिप लेंगे, इतना सारा ये लेंगे, तो उसको लोग ये हो जाएगा। तो कॉस्टिंग में यहाँ पे है, तो एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, वो लोग उसी चीज में डील करता है। एक कंपनी कॉस्टिंग में डील करता है, अब एक कंपनी प्रॉफिट में कैसे डील करेगा, उसको डील प्रॉफिट में कैसे करना पड़ेगा, ऐसा प्राइस रखे ताकि मेरा प्रॉफिट हो। इसका मतलब ये है कि जो मेरा 20,000 का फोन है उसको मैं 50,000 में बेचूंगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तब तो कोई खरीदेगा भी नहीं, तब तो दूसरा वाला से कंपेयर करेगा। कौन आना चाह रहा अभी, हेलो वालेकुम असलम, कहाँ पे हो, शालदा स्टेशन से लेके तुम आमा स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आओ, मैप देख के आ जाओ ना, गूगल मैप तो दिए थे पुलिस स्टेशन, हाँ गूगल मैप देख के आ जाओ, गूगल मैप देख के आ जाओ, गूगल मैप देख के आ जाओ। सुनो ए बात मत करो, ए सुनो बात मत करो, जो खाने का बात मत करो। सुनो मैंने क्या बोला, ये बात है, अब देखो कॉस्टिंग का तो बात हुआ, अब एक कंपनी को ये सब लगेगा, ये सब चीज है, इसको सोचना पड़ेगा। अच्छा तो लोगों को थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, अच्छा हालांकि मैं लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा सब्जेक्ट को डेवलप कर रहा है। अब जो कंपनी है वो जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के टाइम उसको क्या सोचना पड़ेगा, सब कुछ तो ला लिया सामान सस्ते दाम में तुमने ला लिया, अब बनाने के टाइम में तुमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा मैसेज बना के उसको ऑप्टिमाइज वे में बनाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट के टाइम में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग क्या है सेल्स के लिए डीलर वगैरह सब कुछ होता है ना, एक एक जगह पे उसको ये करना पड़ता है, टैक्स का बात आता है, तो सेल्स में मुझे प्रॉफिट को अगर मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, बहुत सारा चीज होता है, उसमें प्रॉफिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वो अलग डिपार्टमेंट है। माने एक ही कंपनी कितना सारा चीज को डील कर रहा है, कॉस्ट को भी कटिंग कर रहा है और प्रॉफिट सेल बढ़ाने के लिए प्रॉफिट। माने जो कंपनी में क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ एक ही टारगेट है, कितना कम में मैन्युफैक्चरिंग। सैमसंग का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो सिर्फ बोलेगा आप लोग क्या करिए, जब इतना चिप्स लेना ही है, इतना सारा प्रोसेसर लेना है, इतना भी ले लीजिए, हम लोगों को तो लगता ही है अब सस्ते में मिल जाएगा, कंपनी को ही बोलेगा। और सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, कंपनी फोन आप लोग जितना भेज रहे हैं उससे कम सेल हो रहा है, तो बाकी फोन का प्राइस ऐसे घट जा रहा है। मैंने सेल्स जो डिपार्टमेंट है वो लोगों का टारगेट क्या है, बाजार में कोई फोन का डिमांड है आउट ऑफ स्टॉक होगा तब वो लोग बोलेगा, आप लोग फोन को देखना कोई प्रोडक्ट जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है हम लोग बार बार फोन करते हैं कब स्टॉक में आएगा। अच्छा वो लोग क्या करता है, बराबर उसका जो ऊपर होता है वो लोग को बोलता है। अच्छा तो दैट मीन्स जो सेल्स पर्सन होता है ना वो लोगों का टारगेट ही है, बाजार में कोई प्रोडक्ट का अगर ज्यादा डिमांड है उसको अवेलेबल कराना है, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या देगा, वो लोग कितना ज्यादा उसको कम खर्चा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट मतलब एक कंपनी एट ए टाइम बहुत सारा चीज क्या कर सकता है, बहुत सारा केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे एक बात किया, ठीक है, रिमार्क लिखो रिमार्क वन, नंबर वन provides सुनो साहब जल्दी लिखो, अच्छा provides a set of algorithm का मतलब जानते हो, एक step wise काम करना है, एक इसके बाद एक क्या करता है, एक set of algorithm देता है that acts as tools for effective problem solving and decision making. Number two note extensive application, मैं लिख दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बुक जब पढ़ोगे ना तो इतना सारा चीज लिखा हुआ था ना, तुम लोग थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है नोट में, मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा लिखना हो, मतलब कोशिश करके नोट एक अच्छा सा बनाने का। अरे फिफ्थ सेमेस्टर में नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा था सर इसमें कोई बुक परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे एलपीपी का है, प्रोबेबिलिटी का भी है, इसमें मैंने बोला था बाकी सब के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बुक से काम नहीं होगा। अब तुम लोग कितना कहां से बुक से पढ़ोगे, जिसको पढ़ने का मैंने ऊपर हो, बट मुझे सबके लिए अगर करना है तो क्या करना है, सबसे आसान तरीका है हर एक का एक नोट बना देंगे। अच्छा नंबर टू क्या करो, एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग बिजनेस
एंड पब्लिक सिस्टम एंड पब्लिक सिस्टम नंबर थ्री यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज इन डिसीजन मेकिंग ठीक है। नंबर फोर कुछ रिमार्क में मैं से बोल रहा हूं कि एक क्या क्या चीज है। अब होगा नहीं सर, अब नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा कुछ तो ऊपर मैं आप कर रहा हूं। नंबर फोर लिखो ओरिजिन ड्यूरिंग नंबर फोर ओरिजिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको अगर मुझे समझाना है तो पहले सब्जेक्ट को तो सिखाना पड़ेगा ना। बुक से पढ़ोगे तो बुक से ठीक ठाक से समझ नहीं पाओगे, तो मैं चाह रहा हूँ क्या बोलो तू जितना जरूरी है अच्छा। बट मैं तुम लोग ये बोल रहा हूँ सिलेबस बहुत अच्छे से जल्दी खत्म करो क्योंकि इस बार लगातार क्लास लेंगे ठीक है। वो तो बोल दिया आप उसके बारे में बार बार नहीं बोलना चाह रहे समझ पा रहे हो। देखो एक कंट्री के लिए तुम अगर बोलोगे हम लोग के कंट्री के लिए एक मिलिट्री प्रॉब्लम बहुत इशू है, कोई भी टाइम अगर मिलिट्री प्रॉब्लम आ जाए ना तो सिक्योरिटी इशू आ जाएगा कंट्री का। चाइना के साथ ऐसा पंगा चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो चलता ही है पुराना टाइम से। उसके बाद ये जो इशू है मिलिट्री अगर स्ट्रांग है ना तो ये इशू ज्यादा नहीं होगा। अच्छा मिलिट्री प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, मिलिट्री को तो बहुत अच्छे से देखना चाहिए कंट्री को, तो इसीलिए प्रॉब्लम को वर्ल्ड वॉर टू में वो तो मिलिट्री वाला ही पूरा काम है, इसके लिए ऑपरेशन से आया था ठीक है। उसका ऑरिजिन क्लियर हो गया किसके लिए मिले आया था। हाँ बोलो बोलो अच्छा देखो बात क्या है तुम लोगों को, अभी तुम लोग रिसेंट अगर देखे हो यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चल रहा था उसमें बहुत जन बोल रहा था कि यूक्रेन इतना छोटा देश होके रशिया से कैसे लड़ रहा है, हालांकि उसका पास बहुत सारा कंट्री का प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये भी तो एक टेक्निक हुआ ना, मैं अकेला हूं मैं 100 जन से लड़ने के लिए मैं थोड़ी आऊंगा, मैं आसपास कॉल करके देखूंगा अगर कुछ जुगाड़ कर सकता हूं तो। यूक्रेन थोड़ी वो तो जानता है मैं अकेला लड़ूंगा दिक्कत होगा, तो यूक्रेन को क्या चाहिए, मैं छोटा कंट्री हूं मैं छोटा हूं पर मुझे छोटा मत समझो, मैं भी रशिया जैसे कंट्री से लड़ाई कर सकता हूं। तो एक हम लोग ठीक है वो तो अलग बात ठीक है, वो तुम्हारा अपना ओपिनियन है मुझे भी नहीं मालूम रशिया यूक्रेन में क्या इशू है। बट सुनो बात सुन, हम लोग सब्जेक्ट रिलेटेड बात करेंगे अच्छा वो ठीक है। सुनो मेरे बात, वो अपना इशू है अच्छा, मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरे बात समझो, वो जो क्वेश्चन किया उस रिलेटेड में बात कर रहा हूँ। वो बोलना चाह रहा था सर आप जो बोल रहे मिलिट्री प्रॉब्लम एक किस कैसा चीज है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ यूक्रेन का जो नंबर ऑफ सोल्जर है तुम सिर्फ यूक्रेन एंड रशिया देखना वर्सेस, इसका क्या क्या इक्विपमेंट है इसका क्या क्या है, इसका सोल्जर से यूक्रेन में अगर एक सोल्जर है उसका 10 गुना सोल्जर रशिया का है। तो दैट मीन्स मिलिट्री इज ए मेन इशू, एक कंट्री के लिए मिलिट्री मेन इशू है, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व अच्छे से कर पाते। इसलिए तुम देखना यूक्रेन का जो जेलेंस्की है
ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था बहुत वायरल हुआ था, हर एक टाइम में आके क्या कर रहा है, एक अपने कंट्री को क्या कर रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। हाँ, दिस इज कॉल्ड द सॉल्विंग मिलिट्री प्रॉब्लम। मिलिट्री प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तुम कैसे, साधारण जो नागरिक है वही बोल रहा है कि मैं मिलिट्री में ज्वाइन कर दूंगा। कल बोल रहा था कि तुम लोग देश के लिए अपना ये कर दो, तो बहुत जन कर करे, ऑब्वियस बात है। तुम्हारा घर में आके कोई अगर अपने को मारेगा तो तुम भी बोलोगे नहीं यार, तुम मिलिट्री में जाओगे, जो उस सिचुएशन को डील कर पाओ तो कर देगा। अच्छा, तो ये बात है अपना कंट्री, अगर तुम्हारा कंट्री को अगर कोई ले लेगा, तुम कोई किसी को लगेगा बच के क्या करे, इससे अच्छा है मर जाना ही अच्छा। क्योंकि देखो सब चल को तुमको तो लगेगा कि हर एक टाइम तुमको क्या किया जा रहा है, सबके सामने जलील किया जा रहा है सब। तो फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। मिलिट्री प्रॉब्लम मुझे लग रहा है समझ गए हो तुम लोग, मिलिट्री एक बहुत बड़ा इशू है। मिलिट्री प्रॉब्लम में बात करने का हम लोगों को कुछ होता नहीं है, बट इतना बोल सकते हैं कि इसको डीलिंग करना एक बहुत हाई लेवल का काम है, मतलब इसके लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अच्छा, मिलिट्री प्रॉब्लम क्लियर है। और इसके लिए अगर तुमको, तुम बोल रहे सर मुझे मिलिट्री प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सर कंट्री के लिए क्या चाहता हूँ, अपने को मिलिट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इन्वॉल्वमेंट करना चाहता हूँ, तो तुमको ऑपरेशन रिसर्च का मास्टर्स होना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, नंबर फोर हो गया क्लियर। नंबर फाइव देखो आप इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा क्या बोलो तो एक मॉडर्न नाम है, होता है ना किसी किसी चीज का पुराना नाम था, आप मॉडर्न बोल के इसका नाम क्या है। ऑपरेशन रिसर्च में जब बोलोगे ना ऑपरेशन रिसर्च, उतना कोई समझ नहीं पाएगा, थोड़ा बोल दोगे मैनेजमेंट साइंस, वो तो मेरा बाहर बगल वाला लड़का का चाचा का लड़का कर रहा है, एमबीए कर रहा है ना, रुपया देगा बहुत रुपया दिया, एमबीए कर रहा है, चला गया घूमने फिरने, ठीक होता है ना। बट ऑपरेशन रिसर्च बोलोगे कौन सा रिसर्च कर रहा है, कहाँ से कौन सा इंफॉर्मेशन, समझ पा रहे हो, पेपर है, समझ पा रहे हो, एक टर्म जो होता है, कोई कोई टर्म जब बोलते हैं डायरेक्ट, एक बायोलॉजी का टर्म बोलेंगे ना तुमको सुनने में लगेगा कुछ बड़ा कुछ हो गया, असल में छोटा हिस्सा ऐसा होता है। तो अभी जो सब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट साइंस। तो कोई अगर तुमको बोले सर, कोई तुमको बोल रहा है मैंने तो ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है, और कोई बोला कि मैनेजमेंट साइंस पढ़ा है, तुम अलग फील्ड से हो मैं भी अलग फील्ड से हूँ, गलत, तुम लोग दोनों सेम फील्ड से हो, उसका नाम मैनेजमेंट साइंस है, इसका नाम ऑपरेशन रिसर्च है। मैनेजमेंट साइंस में जो जो पढ़ना पड़ता है ऑपरेशन रिसर्च में ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ना पड़ता है, मैं ये नहीं बोला दोनों में सेम है, बट मैनेजमेंट साइंस ऑलमोस्ट ऑपरेशन रिसर्च जैसा ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो तुम लोग सिंपली क्या लोगे कि टुडे इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, मैनेजमेंट साइंस। बट मेरा मानना है कि मैनेजमेंट साइंस नाम ही सबसे अच्छा नाम है, क्योंकि नाम से मालूम चल रहा है एक साइंस जिसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट को कैसे कम करना है और प्रॉफिट को कैसे ज्यादा करना है, तो ये मैनेजमेंट साइंस का काम है। इसलिए नाम मुझे लग रहा है ऑपरेशन रिसर्च से अच्छा क्या है। बट ऑपरेशन रिसर्च का भी खासियत है, हम लोग जब कोई लड़ाई में जाते हैं ना तो बोलते ना ये वाला ऑपरेशन नाम यूज होता है ना, ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन दुर्गा। ठीक है, तो जैसे एक, मैं तो इतना सिनेमा नहीं देखता, एक क्या सिनेमा आया था ना एक बहुत हिट हुआ अभी एक सिनेमा, शेरशाह, उसमें क्या क्या वार था, एक शेरशाह सिनेमा था, सुनो ऐसे एक जिसमें ये किया था रोल शेरशाही, तो हाँ ऑपरेशन जो ये गया था, तो क्या उसको क्या करेक्टर प्ले किया था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, विक्रम बत्रा का, ओके उसका भी कुछ ऑपरेशन था। अच्छा, ऑपरेशन में नाम देते हैं एक लड़ाई के लिए ऑपरेशन नाम देता है उसी हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो एक ऑपरेशन जैसा है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है, ऑपरेशन करेंगे बट ऐसा नहीं है कि जो भी घर में हथियार है उसको लेके चल गया ऑपरेशन, बोलो कहीं पे अगर लड़ाई करने जाओगे, अगर तुम अगर सोच के जाओगे बेटर परफॉर्म होगा ना, क्लियर हो गया। चलो अब वेटिंग करो, चलो ये हो गया, ए हो गया ना, अब हेडिंग करो डेफिनेशन ऑफ एलपी। एलपी माने लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो बट अभी मैं लीनियर प्रोग्रामिंग बोल रहा हूं। हेडिंग कर रहे हो डेफिनेशन ऑफ एलपी फॉर लीनियर, एलपी का मतलब तो जानते हो लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या हेडिंग कर रहे हो डेफिनेशन ऑफ एलपी माने लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो एलपी जे मैथमेटिकल मॉडलिंग, एलपी इंट्रोडक्शन थोड़ा करना पड़ेगा उसके बाद में आ रहा हूं। एलपी इज ए मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखो नाम में भी मालूम चल रहा है, बोले थे ना मैथमेटिकल मॉडलिंग चैप्टर में काम में लगेगा, तो एलपीपी क्या है, एलपी बोलो प्रॉब्लम, जब एलपी और कुछ नहीं है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम क्या होता है, जब उस लीनियर प्रोग्रामिंग को तुम प्रॉब्लम में लिखते हो, माने मैथमेटिकल सिंबल में लिखते हो, तो एलपी क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग, कोई रियल लाइफ में कुछ इशू है उसको तुम मैथमेटिकली क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। अच्छा, अल्टीमेटली क्या है बोलो तो, मैं तुमको बोलूं, मानो के तुम्हारा घर के बगल में
एक दुकानदार है, वो क्या कर रहे हैं, वो मानो कि काट वाट का काम करता है। अच्छा, क्या करता है, टेबल बनाता है, चेयर बनाता है, बहुत सारा कुछ काम करता है। अच्छा, कारपेंटर है, वो अपना ही काम कर रहा है। अब इसको बिजनेस को थोड़ा सा हाई स्केल में ले जाना है। अच्छा, वो सोच रहा है कि ठीक है, हम लोग मेहनत करेंगे, 2-3-4-5 को लेवल लगाएंगे, पूरा बिजनेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बट इसको अगर वो क्या करे बोलो तो, इस चीज को, इसमें बड़ा बड़ा कंपनी आता ना जो फर्नीचर वगैरह करता है। अच्छा, वो तो पहले छोटा ही था, ऐसे थोड़ी था कि वो पहले करोड़ करोड़ का बिजनेस कर रहा था, पहले छोटा कंपनी था। वो धीरे धीरे क्या किया, अपने को अपग्रेड किया, अपग्रेड किया। और जब भी छोटा कंपनी बड़ा में अपग्रेड होता है ना, वो उस छोटा वाला दुकानदार जैसा काम नहीं करेगा, उसको एक प्रॉपर एक साइंटिफिक लुक रखना पड़ेगा। हाँ, अल्टीमेटली क्या होगा, सिंपली जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो उसको क्या करेगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में उसको बनाएगा। बन गया। अब देखो ऑपरेशन रिसर्च में क्या क्या मेथड है, क्योंकि जब वो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट पर क्या है ना, वो सब्जेक्ट को यूज करेगा। आइदर सिंपलेस्ट मेथड हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए, और भी कुछ मेथड है, ठीक है, डुअलिटी मेथड है, ठीक है, वो मेथड में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। एलपी इज ए असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेथड आता है, एलपी इज ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। एलपी, एलपी करने का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, जो रियल लाइफ वाला प्रॉब्लम है अगर वो लीनियर में है तो एक क्या है, वो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग कुछ नहीं, रियल लाइफ में जो भी बात है वो तुमको बोल दिया, देखो मेरे बिजनेस में ये सब होता है, इतना इतना मैं ये करता हूँ, इसको अब तुमको क्या, वो तो सुन लिया तुमने, वो थोड़ी तुम सॉल्व कर पाओगे, उसको पहले क्या करना है, उसको मॉडलिंग, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना है, इतना इतना इसका रिसोर्स है, इतना इतना ये प्रोडक्ट इतना इसको मिलता है, यहाँ से इतना मिलता है, सब मिलके वो एक मैथमेटिकल बना लिया, कितना रिसोर्स है और कितना सप्लाई है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, इसे मैथमेटिकल मॉडलिंग। टेक्निक मॉडलिंग, टेक्निक यूजफुल, यूजफुल फॉर एलोकेशन, यूजफुल फॉर क्या, एलोकेशन ऑफ स्कर्स और लिमिटेड, स्कर्स और लिमिटेड मतलब जो चीज होता है, जो सामान होता है वो क्या होता है, लिमिट होता है उसका, स्कर्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस सच दैट, रिसोर्सेस क्या, सच एज, सच एज क्या होता है, लेबर, लेबर का जो रिसोर्स होता है, मटेरियल, कोई भी एक छोटा मोटा दुकानदार जो कोई सामान बनाता है उसका ऐसा नहीं है कि वो 10-12 लेबर रखेगा, वो एक लेबर रखने से उसका हो जाएगा, तो 10-12 लेबर क्यों रखेगा, एक लेबर वाला इशू होता है, क्योंकि हर एक लेबर का एक चार्ज होता है, ठीक है। मटेरियल, जो मटेरियल वो यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, उस मटेरियल को करना है, मशीन यूज होता है एक कारखाना में, बहुत सारा मशीन यूज होता है। टाइम, टाइम का एक इंपॉर्टेंट है। वेयरहाउस, वेयरहाउस को मतलब जानते हो, जहां पे गोडाउन बोल सकते हो, जहां पे सामान रहता है कंपनी का। स्पेस, स्पेस मतलब जो जगह है, जगह भी किस होता है, बिजनेस करना चाह रहे बट तुमको जगह ही नहीं मिल रहा है, कहां पे बिजनेस करोगे, ठीक है। अच्छा, एंड सो ऑन, एटीसी एंड सो ऑन, टू सेवरल, टू सेवरल, टू सेवरल कॉम्पिटिंग, टू सेवरल कॉम्पिटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है, सच एज, सच एज प्रोडक्ट, सच एज प्रोडक्ट, सर्विस, सर्विस, सच एज प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ए, ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन क्राइटेरिया, गिवन क्राइटेरिया ऑफ क्या, ऑफ ऑप्टिमालिटी, ऑफ ऑप्टिमालिटी, ठीक है, ठीक है। देखो ठीक है सर, एलपीपी जो है ये मेनली किस पेपर में आता है, एलपीपी मैं तुम लोगों को बोलूं, एलपीपी एक एप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है, दिस इज नॉट ए प्योर मैथमेटिक्स। अच्छा, एप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है। अच्छा, ये जो पेपर है ये तुम्हारा कहां पे आता है, एप्लाइड मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। एलपीपी का एक ऑपरेशन रिसर्च का एक और भी मैनेजमेंट साइंस में जो लोग पढ़ता है, एक तुम लोग और एक बात बोलो, अभी थोड़ा सा रिसेंट कुछ साल से देखना म्यूचुअल फंड बहुत ट्रेंड हो रहा है न्यूज में, पहले सब नहीं था,
म्यूचुअल फंड शेयर ये सब बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है। अच्छा स्टॉक मार्केट, अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड एक टैगलाइन होता है ना, म्यूचुअल फंड सही है, सब छोटे वाले वो भी एक बात है, बट स्टार्टिंग में आता है ना म्यूचुअल फंड सही है, एक लोगो आता है, अब सही गलत क्या है वो अलग बात, उसके लिए बाद में बात किया जाएगा। बट एक बात मैं तुम लोगों को बोलूँ, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं जानते हो, थोड़ा सा एक मिनट में बात कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो क्या करता है, एक एक करके एक म्यूचुअल फंड लेता है, उसमें 15-20 कंपनी का शेयर लेता है। थोड़ा सा शेयर के बारे में बोल दें, शेयर क्या होता है, कोई भी कंपनी है तुमको लग रहा है ये कंपनी अच्छा कंपनी है, इसका 10 साल में इसका ग्रोथ होगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, तुम दो फ्रेंड हो, अच्छा, या फिर तुम लोग 5 जन हो, अच्छा तुमको लग रहा है कि वो वाला फ्रेंड एक बिजनेस कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो ये बिजनेस करने से अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा उसका मुनाफा तुमको भी मिलेगा। अब उसको सिर्फ क्या चाहिए, उस बिजनेस को करने के लिए उसको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, कैपिटल चाहिए। अच्छा अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ, अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ उसका प्रॉफिट अगर होगा तुमको भी मिलेगा। तो ये बात है। अब क्या होता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका मतलब क्या है, अगर तुमने जो फ्रेंड को दिया वो जो बिजनेस किया वो क्या कर गया, डूब गया, तो तुम्हारा पैसा भी डूबेगा। यही मेन फंड है और कुछ नहीं। बाकी जो सब बोलता है ना कि म्यूचुअल फंड एक जुआ है, जो भी ये सट्टा है, ये सब फालतू बात है, ये सब मीथ है। सिंपल सा बात है, तुमको जिस बिजनेस में अच्छा लगे, तुमको लग रहा है नहीं सर रिलायंस का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तुमको लगा मेरे पास सर 2000 है, ये 2000 का एक शेयर में रिलायंस में डालूंगा, 5 साल बाद मैं देखूंगा रिलायंस कैसा है। अब तुमको मुझे जितना लग रहा है 5 साल में रिलायंस खत्म तो नहीं होगा, और अच्छा होगा, क्योंकि समझ पा रहे हो, ठीक है, एक बात है, समझ पा रहे हो। अब देखो क्या करता है म्यूचुअल फंड में, जो होता है म्यूचुअल फंड को चलाता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर मतलब उसको फंड मैनेज करना है, सर फंड मैनेजर नाम में तो मालूम चल गया, मैनेजर माने उसको मैनेज करना है, माने वो जो फंड है उसको कहां कहां पे रखे उसको मैनेज करना है। हेलो हेलो कहां पे हो, एटीएम पंचर में कुछ देर में आओ, ठीक है, चलो बात करो, सुनो ये हो गया ना, तो ये मैनेजमेंट साइज, मैनेजमेंट साइज का उसका ये, अब एडिंग करो ऑप्टिमाली का मतलब कोई भी चीज में तुम अपना बेस्ट देना चाह रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइज करना चाह रहे हो, जैसे एग्जाम के टाइम में कम टाइम में कौन सा चीज पढ़े ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए, नंबर अच्छा मिले, तो दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमालिटी करना, ठीक है। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब अपना परफॉर्म ऐसा, अपना इनपुट ऐसा दे ताकि उस इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिले, ठीक है, माने ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। एक चीज और लिखेंगे, एक चीज और लिखेंगे, एक हेडिंग करो, अच्छा ठीक है, तो 1939 ये थोड़ा सा लिख के रखो साइड में, कैंटोरविच, ब्रिटिश मैथमेटिशियन कैंटोरविच, इन्होंने पहले ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर फर्स्ट काम किया था, इस सब्जेक्ट को उन्होंने नाम दिया था आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, नाम से मालूम चल रहा है वो डिसीजन मेक करने का एक आर्ट है, आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। बट दिक्कत क्या हुआ कि देखो ये जो डिसीजन मेकिंग का आर्ट है ये तो एक वार का क्या है, एक सीक्रेट मिशन होता है, कोई भी चीज जब सीक्रेट मिशन होता है ना उसको पब्लिश नहीं किया जाता है, तब तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू होगा, उसके लिए इन्होंने आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, इसके ऊपर ब्रिटिश जो मिलिट्री है उसको वो अपना पेपर दे दिया ऐसे करना है, अब वो थोड़ी पब्लिश करेगा सबको मालूम चलेगा तो कैसा होगा। इसीलिए इसका जो पेपर है ना एलपीपी में ऑपरेशन रिसर्च में इसका नाम नहीं लिया जाता है, अच्छा इसका नाम, क्योंकि क्या क्या है ये काम को सीक्रेटली किया था, और पब्लिक ने जो काम किया था उसका नाम है सिंपलेस्ट मेथड, तुम लोग पढ़ोगे जो बनाया था जॉर्ज बी डांजिक, सिंपलेस्ट मेथड एलपीपी का सबसे पावरफुल मेथड है, एलपीपी का सबसे क्या है पावरफुल मेथड, बहुत सारा क्वेश्चन को वो निपटा देता है, ठीक है। वो मेथड हम लोग करेंगे सेकंड या थर्ड चैप्टर में, तो क्या हो 1939 सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड, अच्छा ये साल तुम्हारा है 1949, जॉर्ज बी डांजिक, ठीक है, ये हो गया। अब एक हेडिंग करो, एक थोड़ा सा मार्क करो, ये हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में भी आएंगे बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है। रेडी करो, एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल में क्या बात होता है, एक क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे फॉर्मुलेशन, कोई स्टोरी दिया जाएगा तो कोई कंपनी का कोई फैक्ट्री का दिया जाएगा, तो वहां पे तब तुमको ये करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल। देखो इंडस्ट्री में मैं एक ये बनाता हूँ,
एक फ्लो चार्ट ऐसा बना रहा हूँ। फर्स्ट क्या होगा? रॉ मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल सप्लाई लिखो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ये लिखो। हाँ, RAW मैंने वो कर दिया, मैं तो पहले सही किया था। रॉ मटेरियल सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट काम रॉ मटेरियल सप्लाई से होता है। उसके बाद वहाँ पे आता है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई करो। डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि किसी चीज़ को अगर मैनेज करना है, तुमको एक चीज़ को मैनेज करना है, तुमको मालूम ही नहीं है किस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तुमको तुमने एक दुकानदार को देखा, अरे बाबा क्या क्या इनकम कर रहा है, चारों तरफ से रुपया। अब तुम नहीं देखते हो उसके अंदर, उसको जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना फोन करना पड़ता है, इसके साथ उसका कनेक्शन, इसके साथ उसका कनेक्शन, एकदम पूरा जाल उसका एक ही है, ठीक है। नेटवर्क, ये सब नेटवर्क चल रहा है। रॉ मटेरियल, जो अच्छा बिजनेसमैन है वो रॉ मटेरियल सप्लाई के साथ अच्छा डील किया है, मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा डील करता है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे तो लगता है ये सब में अभी सबसे ज्यादा अगर कोई महारत हासिल किया है तो MI कंपनी, उसका सब चीज बहुत सस्ते में हो जाते हैं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होलसेल, पहले अभी रिटेल नहीं आया, अभी होलसेलर। उसके बाद आता है रिटेलर, रिटेलर कंज्यूमर। उसके बाद एंड यूजर, ये बनाए डायग्राम। हाँ हाँ, ये सब बनाना है। एंड जो भी लिखूंगा सब बनाना है। एंड यूजर का मतलब जो हम लोग जो कस्टमर है। एंड यूजर का मतलब कस्टमर। देखो कैसे मैं तुम लोग बोला, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब लाइन, मतलब जो काम क्या होगा लाइन से होगा, जो काम क्या होगा लाइन से होगा। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हेलो बोलो। ये क्या हुआ अभी क्लास में बार बार, इतना कब आने बोला था कब आया, ठीक है चलो ठीक है चलो, जो जैसे करने कर देंगे। हेलो, पंचायत घोष, देखो दफ यार, फिर एक बार तुम एक बार जाओ तो अंदर आएगा, जाओ तो नहीं सुन पाए, थोड़ा सा रुको आ रहा है, ठीक है सुनो सुनो देखो, ठीक है। तो एंड यूजर ये हो गया, अब एडिंग करो, एडिंग करो, लेट करोगे तुम लोगों का लेट होगा, मैं सुनूंगा नहीं, मैं तब बोल दूंगा जिसको जाना है जाओ, एक जन अगर रहेगा तब तक मैं काम कराऊंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अरे ये अच्छा क्या, जिसका लेट है वो चले जाओ, क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है चलो। तो बात मत करो, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अब हेडिंग कर लो साइड में, छोटा सा ऑप्शन लिखना, कुछ कुछ नोट्स है, कुछ कुछ रिमार्क जैसा है, कुछ कुछ मैं सिर्फ लिख नहीं पाऊंगा सर, रिमार्क लिख लियो, रिमार्क जैसा करके छोटा एक पॉइंट लिख लिया। उसके बाद ठीक है, मैक्सिमाइज़। तुम अभी इस टाइम में आए हो, ट्रेन छूट गया सर, ठीक है बैठ, समझो कोई बात नहीं, बैठो पहले, बैठ जाओ पहले, हाँ अभी 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 चार्जर मर जाए सुनो, चलो बैठो यहाँ पे, होगा देखो ये कैमरा थोड़ा सही है, इसमें दिक्कत हुई होगा, नहीं तो वहाँ पे चले जाओ, चला थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बैठो वहाँ बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। ठीक है देखो सुनो सुनो और बात करो, क्या मैंने बोला यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमाइज हेडिंग करो, मैक्सिमाइज किसको करते हैं हम लोग, प्रॉफिट इनकम एफिशिएंसी सेलिंग, एक चीज और था जो तुम लोग नहीं बोले थे, हम लोग जब कोई जॉब कहीं पे करते हैं सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जॉब में तुमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं ये जगह जो कंपनी में जॉब करके अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत जो बॉस है बहुत खरूस है, कुछ भी काम में सिर्फ बोलता है ये गलत किया वो गलत किया, ठीक ठाक से ये भी नहीं सैलरी भी नहीं देता है, छोड़ो उसका काम नहीं करना, दूसरे जॉब में जाएंगे। अच्छा
ठीक है, थोड़ा रुपए कम भी है बट थोड़ा सा क्या है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हर एक चीज में, पीछे नहीं भेजेगा आपके, पढ़ रहे हो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो पढ़ने का मन नहीं होगा। पढ़ा रहे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अगर सेटिस्फेक्शन नाम लेकर बोलता ना सेटिस्फेक्शन नहीं आया पढ़ाने में, अभी बोला ना दो साल पुराने में सेटिस्फेक्शन नहीं आया, तो सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं, कोई है सेटिस्फेक्शन हम लोग मिनिमाइज करते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, मिनिमाइज मिनिमाइज क्या करते हैं बोलो, अब किसी को कोई कोई दूसरा और ये सब स्टूडेंट से पूछ के भी ये हो सकता है मिनिमाइज, जैसे कॉस्ट होता है कॉस्ट टाइम लॉस, लॉस को मिनिमाइज करते हैं हम लोग, वेस्टेज और कुछ बोल सकते हो कोई, देखो मुझे इतना ही आ रहा है और नहीं मालूम नहीं चल रहा, और भी आएगा तो हो सकता है, तुम लोग भी बोल सकते हो और क्या, लेबर। हाँ क्या बोलो, लेबर लेबर, हाँ लेबर, नंबर ऑफ लाइक सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो उसका बात सही, वो भी गलत नहीं है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना कम एम्प्लॉइज से मेरा काम चल जाएगा उस हिसाब से बोला है, मैं वो नहीं बोला हूँ कि ऐसा होता है ना 10 लेबर काम कर पा रहे पांच दिन में समाधान चल रहे में, 5 लेबर वो काम कितना दिन में करेगा वो बात नहीं है, मेरा बोलना है कितना कम टाइम कितना कम लेबर कितना कर कितना कम एम्प्लॉय मुझे यूज करना पड़े, हम लोग कोशिश करते हैं कि कम एम्प्लॉय लगाए क्योंकि एम्प्लॉय का एक खर्चा है ना, हाँ वो लॉस में भी आ जाएगा, लॉस एक बात बोलो ना प्रॉफिट में सभी आ जाता है, अल्टीमेटली दो ही बात होता है प्रॉफिट और एक लॉस, बोलता है ठीक है तुम्हारे पास सब समझ गया प्रॉफिट कितना है, ठीक है सब समझ गया प्रॉफिट कितना है, उसके बाद बोला है यहाँ पे जाऊंगे यहाँ पे इतना बहुत देखने में बहुत अच्छा व्यू है, खर्चा कितना है होता है ना अल्टीमेटली, देखो यही चीज है बाकी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, लिनियर अलजेब्रा में ये सब हंसी मजाक कर ही नहीं पाओगे, तुम बोले हंसी मजाक तो दूर की बात, मुझे सर चक्कर लग रहा है, वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इनर प्रोडक्ट चालू करेंगे बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़ाएंगे, उसमें ये सब नहीं बोल पाएंगे, ऐसा हंसी मजाक में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या लगे, रियलाइज मैं होता था क्या वहां पे तुम कैसे निकालोगे सब चीज नहीं पॉसिबल है, इसीलिए मैं बोला था ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्या है इसे एंडिंग में करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉस्ट टाइम उससे और कुछ बोल पा रहे हो, ठीक है हाँ बोलो, रिसोर्सेस रिसोर्सेस रिसोर्स का मतलब कितना, रिसोर्स रिसोर्स का मतलब क्या होगा, जो रॉ मटेरियल मंगा रहे तो रॉ मटेरियल जब तुम मंगा रहे हो जिसको 9 बजे रहना 9 बजे रहेगा, जिसको छुट्टी ना मांगे छुट्टी जाएगा, मैं एक टाइम में छोड़ दूंगा तुम 9 बजे रहो या जाओ अपने जाने, हेडिंग करो हेडिंग करो, एक एग्जांपल एक एग्जांपल, अच्छा फर्स्ट, अच्छा छोटा वाला एग्जांपल लेंगे ज्यादा ही नहीं होगा, एक मैन्युफैक्चरर है वो दो प्रोडक्ट बनाता है, उसके लिए कुछ उसको मटेरियल लगता है, उसको उसमें उसको कुछ कॉस्ट लगता है, कोई सामान जब तुम बनाते हो उसके लिए मटेरियल यूज होता है, एक तुम मानो कि चेयर बनाओगे इसके लिए मटेरियल यूज हुआ है, आयरन यूज हुआ है, उसके बाद कुछ बत्ती यूज हुआ है, अच्छा उसके बाद कुछ कार्बन वगैरह किया है, लेदर यूज हुआ है, कुछ कार्बन वगैरह किया, बहुत सारा एक क्रिटिकल में बन जाएगा, इसमें नंबर ऑफ मटेरियल ज्यादा है, मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, मैं मान लिया कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है इसलिए नाम दे दिया स्मॉल मैन्युफैक्चरर, छोटा सा उसका ये है मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या कर रहा है दो प्रोडक्ट बना रहा है, और मैं ज्यादा मटेरियल नहीं लिया, मानो कि दो ही मटेरियल लग रहा है, दो ही मटेरियल हो सकता है, एक चार एक टूल बनाने के लिए सिर्फ मैंने क्या किया बोलो तो लकड़ी का जो लेग है उसका एक लकड़ी से बनाया ऊपर वाला प्लाई लगा दिया हो गया तब हो सकता है, चलो तो लिखो एक एग्जाम्पल, अच्छा सो क्रिटिकल एग्जाम्पल पे हम लोग बहुत काम करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी बहुत सारा, बट अभी थोड़ा सा बेसिक से कर रहे हैं, अच्छा फर्स्ट क्या लिखो, नंबर वन कॉन्सिडर, लिखो कॉन्सिडर ए स्मॉल, कॉन्सिडर ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर, मेक टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बना रहा है, टू प्रोडक्ट मेक टू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ए और एक का नाम मैंने दिया बी, ए भी दो प्रोडक्ट बना रहा है, नंबर टू टी डब्ल्यू ओ टू दो टू रिसोर्सेस है उसको बनाने के लिए, द रिसोर्सेस आर वन एंड क्या आर टू,
आर रिक्वायर्ड टू मेक माने जो प्रोडक्ट है ना उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आर वन आर टू का रिसोर्स चाहिए टू मेक ए एंड बी। सिंपल सा बात है, दो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का नाम मैंने अभी नहीं दिया है, चेयर टेबल हो सकता है और कुछ हो सकता है। अच्छा तो एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है, दोनों प्रोडक्ट ए बी बनाने के लिए क्या चाहिए, आर वन आर टू दो टो रिसोर्स चाहिए। अच्छा दो लकड़ी मान सकते हो, दो टाइप का वुड मान सकते हो, एक नॉर्मल लकड़ी और एक प्लाई का लकड़ी, ठीक है। ए बी दो प्रोडक्ट, एक चेयर बना बन लो, मान लो ये चेयर है और बी क्या है, बी टेबल है, ठीक है। नंबर टू, नंबर थ्री बन रहे, समझ पा रहे कि स्मॉल मैन्युफैक्चर के बारे में मैं धीरे धीरे सब कुछ बोल रहा हूँ। अब देखो क्या है, ईच यूनिट ऑफ ए, ए का कैपिटल ए जो प्रोडक्ट है उसका एक यूनिट, एक पीस बनाने के लिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे करके ये तो समझाने के लिए, अच्छा ऐसे करो, बार बार बोलना, देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई बोलता है सर डायरेक्ट सर इनवर्स भी क्वेश्चन करा दीजिए, सर डायरेक्ट सर एक लड़का पापा को बोला सर मुझे डायरेक्ट, पापा मुझे डायरेक्ट डॉक्टर बना दीजिए एमबीबीएस, नहीं हो पाएगा, एक सब्जेक्ट को डिबेट करना टाइम लगता है। वन यूनिट ऑफ क्या, आर वन, आर क्या थ्री यूनिट ऑफ आर टू। अब देखो क्या, ईच यूनिट ऑफ बी, बी बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, ईच यूनिट ऑफ बी अगर बनाना है तो उसके लिए One unit of R1, two unit of R2। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है, कि कैपिटल ए जो प्रोडक्ट का नाम था उस प्रोडक्ट को अगर मुझे एक टू यूनिट उसका बनाना है तो R1 कितना चाहिए, वन यूनिट, अच्छा और R2 कितना यूनिट चाहिए, थ्री यूनिट। जैसे काट को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से, अच्छा उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है ऐसे करके, ठीक है। तो कितना तक ठीक है, हाँ बोलो, R1 और R2 का इतना ही यूनिट है, देखो कुछ जैसे कुछ कार्ड है नॉर्मल जो लकड़ी है तुमको, तुम्हारे पास मानो के लेग, एक टेबल या चेयर का लेग बनाने के लिए तुम्हारे पास कुछ लकड़ी है, दो टाइप का लकड़ी है, एक है प्लाई, प्लाई प्लाई किस क्या करोगे ऊपर में जो सरफेस है उसके लिए यूज करोगे। अच्छा तो सपोज में मानो कि जो लकड़ी है बहुत सारे टाइप का लकड़ी होता है, अच्छा बहुत सारा काट होता है ना, तो एक टाइप का लकड़ी का मैंने क्या नाम दिया R1 और दूसरा टाइप का जो लकड़ी है उसका नाम दिया R2। अब वो कुछ भी टाइप हो सकता है, समझ पा रहे हो। मैंने क्या किया, इसमें से होगा, इसमें से एक ड्रिंक्स बनाना है जिसमें दो क्या करेंगे, दो एक होता है ना कोई एक दो टाइप का मिक्स करके बनाएंगे वो ड्रिंक, अगर इसका एक देंगे इसका तीन देंगे तो एक, अच्छा एक दूसरा ड्रिंक बनेगा इसका एक और इसका दो, अच्छा ए मानो के ए सुनो, एक तो एक क्या दिया, एक ग्राम चीनी दिया और तीन ग्राम पानी दिया, एक ग्राम चीनी दिया और दो ग्राम पानी, तो देखो ये थोड़ा मीठा होगा, अच्छा नहीं सर पानी है, ठीक है कोई भी है वो दिमाग अभी ऐसे कहते हो, आर वन आर टू नाम है, ठीक है क्लियर है, आर वन आर टू क्या है नाम है, सुनो आर वन आर टू क्या है नाम है, जो प्रोडक्ट बना रहे उसके लिए मुझे आर वन चाहिए आर टू चाहिए, दो सामान चाहिए, दो टाइप का सामान चाहिए, एक टाइप का सामान को मैंने आर वन दिया है आर टू दिया है। देखो हम लोग जब वेरिएबल यूज करते हैं ना तब हम लोग डर लगता है, वेरिएबल एक्स वन वाई वन एक्स आई वाई आई, जब टेंशन कैलकुलस करोगे तो वहाँ पे वेरिएबल इतना यूज होगा ना डर भी लग जाएगा, कहाँ से पढ़ रहा है कोई ऊपर में जा रहा है कोई नीचे में जा रहा है, बट जब बोल देगा देखो इसका नाम है राम इसका नाम है शाम, जैसे बच्चा क्लास, देखो जब तुम हायर एजुकेशन करते हो ना ये सब नहीं होता है, राम के लिए एक टका देखो ये जो होता है ना ये मैंने जब पढ़ा था तो फील आता था, जब पहले पढ़ते थे तो कितना बेसिक से लेकर समझा एक लाइन समझा देता था, बट जब हायर एजुकेशन होता है ना इतना नोटिस नहीं, तुम हायर एजुकेशन का बुक देना सब में मैक्सिमम नोटिस होता है, उतना तोड़ के नहीं लिखेगा, एक हायर एजुकेशन का बुक लेना क्लास टू का जो बच्चा वाला बुक लेना एकदम पिक्चर नीचे कलर वाला पिक्चर लेके एकदम बना के रखता है, ठीक है सेम बात हुई, ठीक है ईच यूनिट ऑफ बी। अब ये करो नंबर फोर क्या द मैन्युफैक्चरर, अब देखो मैन्युफैक्चरर क्या बोल रहा है, द मैन्युफैक्चरर हैज फाइव यूनिट, द मैन्युफैक्चरर हैज फाइव यूनिट्स ऑफ क्या ऑफ आर वन, द मैन्युफैक्चरर हैज फाइव यूनिट्स ऑफ आर वन एंड क्या 12 यूनिट्स ऑफ आर टू, समझ पा रहे हो। मैन्युफैक्चरर के पास जो दो मटेरियल था पहला वाला जो मटेरियल था रिसोर्स आर वन वो उसके पास कितना है वो पांच यूनिट है, अच्छा पांच यूनिट, वो यूनिट के हिसाब से अगर तुम उसको केजी में ले सकते हो और भी कुछ यूनिट हो सकता है, अच्छा स्क्वायर फीट क्यूबिक, ठीक है और भी कुछ फाइव यूनिट्स ऑफ आर वन, बैटरी भी कितना परसेंट है
2% में। तो चुप खोलो खोलो खोलो, उसमें पावर बैंक देखो तो, ये देख पा रहे हो सामने एक पावर बैंक है, उसको दो एक, हाँ पावर बैंक दो। देखो हाँ ये तो बहुत ज़्यादा जाएगा, पूरा रात चल जाएगा इसका साथ। बट गिर जाएगा ना ऐसा कुछ होगा तो, ये ना देखो तो चार्ज हो रहा है, चार्ज तो नहीं हो रहा है, देखो तो लाइट हो गया। किसी का अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर है ना तो जा सकते हो, मुझे कोई ये नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस अगर दूर है ना घर जाने में दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है चलो मैं छोड़ दूंगा, 10 मिनट पे छोड़ देंगे। ठीक है फर्स्ट क्लास में ज्यादा ये नहीं करेंगे। ₹6 किसमें पर यूनिट सेल ऑफ ए, ₹5 पर यूनिट सेल ऑफ बी। ठीक है बी पर यूनिट, एक टू बी सेल करेगा तो क्या होगा ₹5 का प्रॉफिट होगा, और एक टू सेल करेगा तो 6। अब देखो 6 पर यूनिट, 6 का मतलब ऐसा नहीं है कि ₹6 है, वो 600 भी हो सकता है, 6 के भी हो सकता है, जस्ट 6 पर यूनिट, सॉरी रुपीज लिख दिया है तो 6 रुपीज है। ठीक है चलो उसमें मतलब अभी तो आप देखो अब क्या है इसमें, तुमको इसका ए करना है, एलपी प्रॉब्लम करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करना है। अच्छा इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करना है, सॉल्व करना है, क्या है क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं है, जस्ट तुमको मैंने बोला ए प्रॉब्लम दिया, इसको मैथमेटिक्स में लिखना है क्वेश्चन का आउटलाइन। अच्छा जस्ट क्वेश्चन का आउटलाइन समझाने के लिए एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल दिया गया जस्ट एक आउटलाइन है। अब देखो तुम ए आर बी, अब तुम बोलो सर इसमें क्या, तुमको क्या लग रहा है क्या क्या निकालना चाहिए यहाँ पे, कितना ए आर कितना बी बनाए ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम हो। प्रॉफिट का बात लास्ट में कर दिया हो, माने अल्टीमेटली मानो कि तुमने एलपीपी पढ़ लिया, एलपीपी का ऑपरेशन रिसर्च का एलपीपी का लीनियर में हो जाएगा, नॉन लीनियर नहीं लीनियर में हो जाएगा। अच्छा तुमने एलपीपी पढ़ा है, अच्छा तुम्हारा बगल वाला दुकानदार जान गया तुमने एलपी पढ़ा है, मैंने बच्चा वो आके बोला नहीं मेरा प्रॉब्लम है, अब तुम एलपी पढ़े हो, अब इसको मैथमेटिक्स में उसको बना के देना है तुमको, अच्छा उसको तुमको बना के देना है। अब बना रहे क्या क्या प्रोडक्ट है ए आर बी, ए कितना बनाना है मुझे नहीं मालूम, ए का क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं ए का क्वांटिटी क्या है एक्स और बी का क्वांटिटी क्या है वाई, दोनों का क्वांटिटी माना क्या, एक का माना एक्स दूसरे का क्या माना वाई। आप सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, एक टू ए बेचेंगे तो ₹6 का प्रॉफिट होगा, बोलो तो एक्स को यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा 6 है, एक्स का वैल्यू 3 होगा तो ₹18, एक को वाई बेचेंगे सर एक को बी बेचेंगे तो ₹5 प्रॉफिट, वाई पीस बी बेचेंगे तो 5। बट अब तुम बोलोगे सर ये तो रुपया बढ़ाने का एक बहुत अच्छा टेक्निक बना दिया हमने, टेक्निक तो बोल दिया बट ये देखो ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है, ये बहुत अच्छा टेक्निक है, मैंने तुम दुकान में हो तुम्हारे पास मानो के दो प्रोडक्ट है, एक बिटने का बिस्किट है और एक पार्ले का बिस्किट है, एक बिस्किट बेच के लगा ₹2 प्रॉफिट हुआ, दूसरा वाला बिस्किट बेच के ₹3 प्रॉफिट हुआ, अब लगा 2x, x का वैल्यू इंफिनिटी कर देते हैं, तुम्हारे पास दो टू बिस्किट है, समझ पा रहे हो बात, अल्टीमेट क्या है सोर्स है, तुम्हारे पास जो सोर्स है वो लिमिटेड है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास जो सामान है वो लिमिटेड है, तो उसी सामान में वो क्या प्रॉफिट करे। जैसे मुझे एक बात बोलो, चेयर टेबल बनाया है, एक मैन्युफैक्चरर पहले क्या सोचेगा, चेयर बनाएगा या टेबल बनाएगा, तुम बोलो टेबल बनाएगा,
टेबल देखो एक बार सुनो, ऐसा कोई दुकान मिला आज तक जो सिर्फ टेबल बेचता चेयर नहीं बेचता? मैंने लाइफ में नहीं देखा ये। ऐसा बोल सकता है कि टेबल थोड़ा खराब हो गया है, अभी आप चेयर ले जाइए, मैं उसको अच्छे से करके उसको चेयर कोई, हाँ हालांकि कोई चेयर ले सकता है पर सिर्फ टेबल लेगा चेयर नहीं लेगा, पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो बात? हाँ तो देखो कोई चीज को प्रॉफिट जब करना है तो दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा हालांकि मान सकते हो कि चेयर में तुम्हारा कम प्रॉफिट है, अच्छा टेबल में ज्यादा प्रॉफिट है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सबको सिर्फ टेबल ही बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है, समझ पा रहे हो? बहुत सारा एलबी एलबी नहीं है, छोटा मोटी बात ये है हाँ। कि हमको रिसोर्स गिवन है, रिसोर्स गिवन है, उसके बाद हमको जो डिमांड होगा हाँ। उस हिसाब से वो रिसोर्स को यूज करना है, बस यही ना हाँ। ए कोई बात नहीं, अच्छा बात बोल रहा है सर, मार्केट में डिमांड है कोई प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का मटेरियल मेरे पास है, अब डिमांड जैसा है उस हिसाब से मुझे प्रोडक्ट को बनाना है, बट ध्यान में रखना है उतना कम क्वांटिटी में मैं उसको कैसे मैक्स प्रॉफिट कर सकता हूँ। एक काम है यहाँ पे वही है ना, दो प्रोडक्ट बनाना है मार्केट में, तुम ये भी दो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको तुमको बेचना है, मैन्युफैक्चरर उसको बेचेगा, पहला ये प्रोडक्ट बेचने में 6 रुपया 5 रुपया, ए जो है ए बनाने के लिए दो प्रोडक्ट चाहिए, ये दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास कितना है, R1 है 5 पीस एंड R2 कितना है 12 पीस, एक तो ये बनाएगा तो एक तो R1 यूज हो जाएगा, मानो कि एक तो ये बनाया तो 5 पीस क्या हो जाएगा, 4 पीस में आ जाएगा, तुमने यूज कर लिया हाँ, 3 तो ये कर दिया। मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं इसको सोच रहा हूँ, मानो कि एक गाड़ी बनाने वाला है, अच्छा सिर्फ चक्का क्या से सोचते हैं, इंजन से सोचते हैं, अच्छा एक इंजन 3 चक्का ऑटो बन गया, ऐसे सोचते हैं 1-3-1-2 होते हैं ना, कभी कभी सोचते हैं 2 से 2 व्हीलर बन जाएगा, अच्छा हालांकि एक ऑटो सेल देने में 6 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, बट सोचने में सोच सकते हैं, मैथमेटिक्स में तो हो सकता है ना, ठीक है, बट उसके पास क्या है, 5 तो इंजन पॉसिबल है, उसके पास 5 से ज्यादा इंजन नहीं है एंड 12 से ज्यादा पहिया नहीं है, ठीक है, ऐसे में सोच सकते हो, तो इसमें मतलब 6-5 में वो इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करो। अब चलो क्या करते हैं, हमको मुझे इसके एलपी बनाना है, तो पहले क्या लिखो, लेट सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं इसका, इसको आप एलपी में लिख रहा हूं, तुम लोग लिखो इसको, इसके बाद लिखने जाओ क्या, ए लिख लो ना, इस पर आप कर दे, इस पर आप कर दे, इस पर आप कर दे, रुको 5 मिनट को हो गया, 5 मिनट को काम हो चुका है, क्या कर रहे हो, ठीक है 5 मिनट हो गया, देखो लेट एक काम करते उसको थोड़ा सा एक इसमें बना लेते बॉक्स में, ये बॉक्स में बनाने से क्या होता है बोल दो, कम में पूरा विजिबल हो जाता है ना, इसलिए तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है 1 3 1 3 1 2 क्या बात है, देखो सॉरी मैं पहले ये बात लिखूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सही हो, ए मैंने प्रोडक्ट क्या है बोल दो, मेरे पास एक प्रोडक्ट ए है एक बी है, ए बनाने में ऊपर में R1 किया इसमें R2 किया, ए क्या चाहिए, एक तो R1 ऊपर में क्या था ऑर्डर था यहाँ पे था 1, ठीक है तो ₹6 का प्रॉफिट एंड ₹5 का प्रॉफिट, 5 रुपये का प्रॉफिट ये है, ए R1 कितना अवेलेबल है 5, R2 कितना अवेलेबल है, जितना सारा लिखा था देखो ऑलमोस्ट इसमें सब चला है, अच्छा सब चला है, अब ये कितना बनाए, मान लो एक सीमेंट बनाए, हाँ बोलो इसका बैटरी हो गया, हाँ फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा ही हो रहा है बट बहुत सारा काफी किया है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है, 3 चीज को एक साथ करना, मुझे इस तरह का 3 चीज एक साथ अभी कोई नहीं कर पाएगा, अभी कोई नहीं कर रहा, तो मार्केट में ले लो खबर, मैं जब मार्केट में उतरता हूँ ना मुझे भी खबर लेना पड़ता है कौन क्या कर रहा है, ब्लेंडेड मूड चलता है, मैंने 2-3 ऑफलाइन क्लास, 1 दिन ऑफलाइन क्लास हफ्ते में पढ़ाएगा बाकी सब ऑनलाइन, ऐसा होता है, अच्छा बट मैं ये चेंज कर दिया, फुल्ली ऑफलाइन फुल्ली ऑनलाइन, ब्लेंडेड चाहिए तो ब्लेंडेड लो, रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग लो, सब कुछ लो, तुम बोलो सर ये भी तो आपका एक मार्केटिंग स्टडी है, मार्केटिंग स्टडी है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाना क्या गलत चीज है क्या, हालांकि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ये बोलना मुझे नहीं चाहिए, मैं घटिया भी पढ़ा सकता हूँ तुम लोग डिसाइड करोगे, अच्छा अच्छा बुरा तुम लोग डिसाइड करोगे, चलो देखो लेट लेट ठीक है लेट लेट क्या लेट लेट एक्स नंबर लेट एक्स नंबर क्या ऑफ यूनिट से नहीं आ रहा है लेट लेट एक्स नंबर क्या लिए ऑफ यूनिट्स किसका यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट नहीं आर वन क्यू प्रोडक्ट तो ये है मेटेरियल थोड़ी बनाओ कितना नंबर मेटेरियल बना देंगे प्रोडक्ट और क्या मान लिया लेट वाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ
बी, ठीक है, बी प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट के लिए। अच्छा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का बात होगा अभी। अच्छा प्रॉफिट जेड माने एक तो ए प्रोडक्ट सेल करने में 6 रुपया तो क्या होगा 6x, और एक तो वाई, एक तो बी सेल करने में 5 रुपया ना, तो वाई के लिए क्या होगा 5 है ना, ए प्रोडक्ट प्रॉफिट ना। इसी को क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देते हैं मैक्सिमाइज। मैं प्रॉपर वे में मैथमेटिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा बट अभी सबसे समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमाइज, अब देखो क्या 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 रिस्ट्रिक्शन है। अब तुमने बोला सर ठीक है सर, उसके मतलब रुपया हम लोग अब बहुत बनाएंगे। मैं बोला नहीं, कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब एक सर वाई तुम लिमिटेड ही बना पाओगे, क्योंकि ए आर बी बनाने के लिए आर वन आर टू चाहिए, वो 5 पीस और 12 पीस है। बोलो तो एक तो एक तो एक्स एक तो ए बनाने के लिए आर वन कितना चाहिए, एक तो गाड़ी बनाने में 3 पहिया लग रहा है, एक्स ठो अगर मुझे 3 वाला पहिया गाड़ी बनाना है क्या है 3x, 3x तो गलत लिख दिया मैंने, गलत है। अच्छा हाँ ओ वाई, मैंने एक पहिया, अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे आर वन के बारे में बोला ना, मेरे पास 5 पीस अवेलेबल है। एक तो ए बनाने में आर वन एक तो लग रहा है, एक्स तो बनाने में क्या लगेगा एक्स, एक तो बी बनाने में एक आर वन लग रहा है, तो वाई तो बी बनाने में, तो तुम्हारे पास आर वन कितना था 5, तो ए 5 से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना, सामान बनाया एक दो पीस, एक पीस बाहर रहा माने एक्स्ट्रा पड़ रहा, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स आर वन कितना है, 5 पीस तो हाँ, आर वन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, एक तो ए बनाने में एक आर वन यूज हो रहा है, तो एक्स तो आर वन बनाओ, एक्स तो ए बनाओगे तो कितना आर वन यूज होगा, एक्स एक तो बी बनाने में, एक तो बी बनाने में क्या लग रहा है आर वन एक तो लग रहा है, तो वाई बनाने में क्या लगेगा, पॉइंट एक्स प्लस वाई क्या होगा लेस देन 5। अब सुनो अब किसके लिए सर, आपको के लिए ना, बोलो तो एक पे बनाने में कितना आर्थ लग रहा है, 8 लग रहा है 3x 3, और एक्स के लिए क्या होगा 3x, और एक क्या होगा एक को भी बनाने में 2y लेस देन इक्वल टू 12। अच्छा अब ये हो गया ना, एक फॉर्मेट क्या वही वाला, एक ये वाला। अच्छा इसको प्रॉफिट बोलते हैं, मैक्सिमाइज, इसको सब्जेक्ट टू बोलते हैं। हालांकि अभी लिख के रखो ऐसे, ए रेस्ट्रिक्शन वाला सब्जेक्ट टू माने रेस्ट्रिक्शन, ए रेस्ट्रिक्शन का मतलब सॉरी इसको रेस्ट्रिक्शन बोलना सच है, ठीक है। तो अच्छा अब सुनो यहाँ पे देखो, बोलो तो एक सर वाई ये जो वेरिएबल तुमने लिया था कितना यूनिट बनाना है, इसमें एक खासियत क्या जानते हो, ये ऑलवेज क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। मानो कि प्रोडक्ट में वो तुम्हारा यूनिट लगा ही नहीं बट नेगेटिव नहीं होगा, घर जाके मत बोलना कि आज मैंने -2 पीस टेबल बनाया है, तो मार के खा देगा, ठीक है। मैंने 2 टेबल कैसे बनाऊंगा, ठीक है ठीक है, कुछ भी मैथमेटिक्स भी तो है। बोलो तो 3 पार्ट है इसमें, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। अच्छा लास्ट वाला बताइए तो, एक सर वाई क्या बना रहे हो, एक दो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, एक ए प्रोडक्ट एक्स को यूनिट बनाओगे, बी प्रोडक्ट वाई यूनिट बनाओगे। जो प्रोडक्ट तुम बनाओगे ऐसा हो सकता है कि तुमने उस दिन कोई भी 4 नहीं बनाया, सब टेबल बनाया है, तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, बट नेगेटिव कभी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ए, इसका नाम देखो, इसका नाम है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉन्स्टेंट्स, इसका क्या नाम है नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। एंड दिस एक्स वाई, ये एक्स वाई है ना, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, दिस इज कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल। एक काम कर लो, सब बोलेंगे इसके बारे में, अभी लिखते रखो, डिसीजन डिसीजन ले रहे हो ना, तो यहां पे जो वेरिएबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि डिसीजन मेक करने के लिए वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स। अब तुम बोलोगे सर एक एलपी में क्या क्या चीज मेन होता है, पहले तुमको देखना पड़ेगा कितना डिसीजन वेरिएबल है। बोलो तो इसमें कितना डिसीजन वेरिएबल है, कितना डिसीजन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल कैसे मालूम चलता है जानते हो, पहले दुकानदार के पास जाओ, मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, आप कितना प्रोडक्ट बनाओगे, मैं चेयर बनाऊंगा, मैं टेबल बनाऊंगा, मैं शोकेस बनाऊंगा, और भी कुछ बनाऊंगा। अच्छा वो सब क्या हुआ,
जितना वो सब बनाएगा पूरा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट उतना डीजल मिलेगा। एक्स वाई जेड अगर एक्स वाई जेड से नहीं चल रहा है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर डीजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा दैट मीन्स क्या देंगे चार टो पार्ट तुमको देखना पड़ेगा हालांकि तीन पार्ट है बट एक्स वाई मेंशन भी तो करना पड़ रहा है ना। तो एक एलपीवी बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा कभी कोई दुकानदार कोई तुमको बोल रहा है कि मेरा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है इसको मुझे एलपीवी बना दीजिए तो पहले तुम जाना पहले देख लो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए बोलिए इसके लिए एक्स दे दे रहे इसके लिए वाई इसके लिए जेड इसके लिए अब बोलिए इसको बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है सर एक पीस बेचने में इतना प्रॉफिट तो एक करके उसको जोड़ देना अच्छा रेस्ट्रिक्शन लगा देना कितना कितना यूनिट लग रहा है इसमें कितना कितना यूनिट लग रहा है उतना कितना कितना अवेलेबल है कितना क्या अवेलेबिलिटी ना प्रोडक्ट कितना पीस है तुम्हारे पास रॉ मटेरियल कैसा है और इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उसका क्वांटिटी नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है जीरो हो सकता है जीरो और पॉजिटिव ठीक है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स अच्छा इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो एक एलपीपी में एक फॉर्मेट होता है कोई भी क्वेश्चन एलपीपी का रहेगा तो ऐसे ही रहेगा सर अगर एलपीपी का क्वेश्चन ऐसे ना रहे एक स्टोरी रहे तो फॉर्मुलेशन कैसे करना है अब हम लोग देखेंगे फॉर्मुलेशन भी करना है कोई भी हाँ बोलो फॉर्मुलेशन करने के बाद फिर डायग्राम भी बनाना पड़ता है हाँ फॉर्मुलेशन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ जब एक एलपीपी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो सुनो एक एलपीपी को सॉल्व करने के बाद बोला जा सकता है कि फॉर्मुलेट द एलपीपी एंड सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड से तुम लोग किए थे क्लास 12 में ना अच्छा वो ठीक है बट एग्जाम में तुम लोग जो क्लास 12 वाला किया उसमें नंबर नहीं मिलेगा उसमें बहुत सारी चीज अपडेट करना है ऑनर्स के लिए अलग चीज है सिर्फ कॉर्नर पॉइंट बैठने से नंबर नहीं मिलता है मैं बोल दूंगा जेड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ग्राफिकल मेथड तुम लोग का था यहाँ पे भी इजी है सिर्फ एक जेड लाइन का कॉन्सेप्ट है अच्छा फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है अनबाउंडेड का तो सब कुछ है सुनो ग्राफिकल मेथड भी है अच्छा सिंपल से बात मत करो।